व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। देखिए, हमारा चैप्टर 14 चल रहा है। चैप्टर 14 का फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि सेंटर और जो स्टेट होता है हमारे यहाँ पर, उसके बीच में लेजिस्लेटिव रिलेशन कैसे होते हैं। लेजिस्लेटिव का मतलब लॉ बनाने वाले, जो बिल होता है पहले, फिर उसको पास करके जो लॉ बनाया जाता है, तो उससे रिलेटेड मैटर क्या क्या होते हैं। हम लोगों ने लिस्ट भी देखी थी वहां पर, सेंट्रल लिस्ट देखी थी, स्टेट लिस्ट देखी थी और कॉन्करेंट लिस्ट देखी थी। और ये भी देखा था किस किस में किसकी ज्यादा पावर होती है। उसके बाद में हमने रेजिड्यू सब्जेक्ट के बारे में भी देखा था कि कौन रेजिड्यू जो सब्जेक्ट बच जाता है, इन तीनों लिस्ट के बाहर जो सब्जेक्ट बच जाता है उसको कौन कंट्रोल करता है, सेंटर कंट्रोल करता है। तो ये सारी बातें हमने देखी थी। ये सब कवर हुआ था आर्टिकल 245 से 255 तक, ठीक है। और पार्ट कौन सा था, ये था 11th पार्ट। तो ये सब हम लास्ट आर्टिकल में, जो हमारा लास्ट चैप्टर था, उसमें हमने ये सब चीजें डिस्कस करी। अब नेक्स्ट पार्ट जो हम देखने जा रहे हैं, अब यहां पर जो बचे हुए रिमेनिंग रिलेशन है हम वो देखेंगे इस नेक्स्ट वाले पार्ट में। तो लेजिस्लेटिव कंप्लीट हो गया है हमारा, जो लॉ बनाने वाला था। अब एडमिनिस्ट्रेटिव देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन किस किस तरीके से होता है सेंटर और स्टेट के बीच में। तो यहां पर आप लोगों को कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन का व्यू देखने को मिलेगा, किस तरीके से दोनों एक दूसरे के साथ में हार्मनी बनाकर रहते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को आर्टिकल पता होना चाहिए। लास्ट वाला पार्ट हम लोगों ने देखा था 245 से 255 तक था। अब ये इससे आगे है, इससे आगे क्या है, 256, 256 से या 263 तक। तो ये भी पार्ट 11 में ही है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन के साथ में डील करता है सेंटर और स्टेट के। देखिए, ये बातें कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों लिखी गई है, ये वाली बात हम लोग लास्ट जो चैप्टर था उसमें भी देखी थी। कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए ये बात आर्टिकल के अंदर रखी गई है, जिससे कि जो रिलेशन है दोनों के बीच में हार्मनी बनी रहे, दोनों के बीच में ये पावर के लिए लड़ाई ना हो कि ये वाला तेरा एरिया है, ये वाला मेरा एरिया है। तो अगर इस तरीके की लड़ाई न हो, तो सबसे अच्छी बात क्या है कि दोनों को बता दिया जाए कि ये तेरा एरिया है, ये मेरा एरिया है, और उससे बाद में दोनों एक दूसरे के में अपने अपने एरिया में वर्क करेंगे और दूसरे के एरिया में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर थे, उन्होंने अलग से ही डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया इनका, कि ये आपके लेजिस्लेटिव रिलेशन है, ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है, जिससे कि आप एक दूसरे के एरिया में न घुसे, ठीक है। और जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है हमारा बना रहे, जो कि हमने कंप्लीट एक चैप्टर में देखा था कि फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आप जो भी ये लेक्चर, जो रिमेनिंग लेक्चर आप लोगों ने जो अब तक नहीं देखा है कोई भी, तो सबकी लिस्ट जो है नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोगों को मिल जाती है, तो आप लोग देख सकते हैं और रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप उनको एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश क्या कीजिए कि जो नेक्स्ट लेक्चर होता है उससे पहले आप लास्ट वाला लेक्चर को रिवाइज कर लिया कीजिए, उससे अच्छे तरीके से आप लोग चीजों को समझ पाते हैं, ओके। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, मतलब जो लॉ बनाए गए हैं अब किस तरीके से उनको इंप्लीमेंट करना है, उससे रिलेटेड कोई भी बात है, किस तरीके से चीजें यहाँ पर आगे फॉलो करके चलनी है। तो देखिए, फिर से वही बात आती है, थोड़ा सा आप लोगों का रिविजन भी यहाँ पर हो जाएगा। जो सेंट्रल लिस्ट होती है, वो सेंट्रल लिस्ट होती है, वो आप लोगों को पता है टेरिटरी ऑफ इंडिया में पूरा इंप्लीमेंट होती है। टेरिटरी मैंने आप लोगों को बताया था, टेरिटरी क्या होती है, यहाँ पे स्टेट आता है, यूनियन टेरिटरी आता है, और अगर किसी पार्ट को हम बाहर का अगर पार्ट अपने अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, जैसे चाइना का मैंने एग्जाम्पल दिया था, अपना 30th जो 30वां स्टेट बनाने की बात की गई थी, तो वहां पर टेरिटरी आती है। तो जो सेंटर का एरिया होता है वो पूरी एग्जीक्यूटिव पावर रहती है उसकी, पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया में। पर लेकिन स्टेट की क्या रहती है, तेलंगाना की तेलंगाना में रहेगी, आंध्र प्रदेश की आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ झारखंड, तो किसी भी स्टेट के आप लोग नाम ले सकते हैं, वो हर एक एरिया अपने अपने एरिया में रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से है। और अगर कंकरेंट लिस्ट की बात आती है तो उस पर दोनों रूल करेंगे, पर लेकिन प्रिवेल कौन होगा, प्रिवेल होगा सेंटर वाला, स्टेट से ज्यादा सेंटर की पावर चलेगी वहां पर, अगर दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट निकल के आ रहा है यहां पर। तो ये भी इस तरीके से पावर डिवाइड होती है यहां पर, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ओके। नेक्स्ट वाला पॉइंट है यहां पर, सेंटर क्या करता है, वो डायरेक्शन देता है स्टेट को। तो सीधे सीधा इस पॉइंट में क्या बात निकल के आती है कि डायरेक्शन किस पॉइंट पे देगा, डायरेक्शन उस पॉइंट पे देगा या तो वो नेशनल इंपोर्टेंट का कोई इशू हो, ठीक है, या फिर वो इस तरीके का इशू हो जो कि स्टेट की बाउंड्री के अंदर में होते हुए भी कुछ स्पेशल पर्पज का इशू हो गई। जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले बात आती है रेलवे की, अगर किसी स्टेट में कोई रेलवे है तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी डायरेक्शन देनी है सेंटर को, तो वो स्टेट को डायरेक्शन देगा और स्टेट को सेंटर के हिसाब से काम करना पड़ेगा। अगर कोई ट्राइबल का इशू है, ट्राइबल किसी पर्टिकुलर एरिया में होती है, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि प्रेसिडेंट के पास में ज्यादा पावर होती है एज कंपेयर टू पार्लियामेंट, अगर कहीं पर ट्राइबल वाला इशू आता है, या फिर मैंने 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल की बात की थी, जो कि हम आगे चैप्टर आएगा उसमें भी देखेंगे, ठीक है। तो उससे भी रिलेटेड अगर कोई इशू आता है तो किसके हाथ में पावर आ जाती है ज्यादा, वो पावर ज्यादा आ जाती है सेंटर के हाथ में। या फिर इससे रिलेटेड अगर कोई नेशनल इंपोर्टेंट का अलग कोई इशू है, इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रीटी किसी को इंप्लीमेंट करना है, तो उन सब चीजों से रिलेटेड भी बात आती है। और माइनॉरिटी वाले इशू की बात अगर कोई आती है, अगर सेंट्रल लेवल पे माइनॉरिटी है किसी पर्टिकुलर स्टेट में, तो उससे रिलेटेड भी डायरेक्ट कर सकता है स्टेट को कि आपको इनका ख्याल रखना चाहिए। और लिंग्विस्टिक लैंग्वेज से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आती है माइनॉरिटी की,
उनकी लैंग्वेज को भी सेव करने की बात के लिए भी डायरेक्शन दे सकता है। तो डायरेक्शन वही दी जाएंगी यहाँ पर जो कि स्टेट के अंडर में न होते हुए भी पर स्टेट की टेरिटरी में आती है, ठीक है ना, स्टेट के एरिया में आती है, तो उन पर सेंटर डायरेक्शन देगा। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग डायरेक्ट याद रख सकते हैं, किन किन पर सेंटर जो है वो स्टेट को डायरेक्शन देगा। ओके, इसके अलावा जो नेक्स्ट है म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ द फंक्शन। तो यहां पर क्या होता है, देखिए कई बार जो सेंटर रहता है और स्टेट रहता है दोनों के बीच में कई बार कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार स्टेट ऐसे काम कर देता है कि सेंटर को पसंद नहीं आते हैं तो क्या करता है, गवर्नर को बोल देता है अगर कोई बिल वगैरह लॉ वगैरह अगर वो बनाना जा रहा है तो उसको क्या कर ले, उसको वहां पर थोड़ी देर के लिए प्रिजर्व कर ले प्रेजिडेंट के लिए, प्रेजिडेंट की एसेंट्स के लिए उसको प्रिजर्व कर लेते हैं। तो इस तरीके से प्रेजिडेंट के द्वारा या फिर गवर्नर के द्वारा इसके बीच में डेलीगेशन का काम किया जाता है जिससे कि एक हारमनी बनी रहे दोनों के बीच में और कहीं भी रस्साकसी न हो जाए दोनों के बीच में। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में भी कई इस तरीके की बातें रखी गई हैं जिससे कि दोनों के बीच में एक नॉर्मल रिलेशन बने रहे, क्योंकि फेडरल हमारा सिस्टम जो है वो फेडरल सिस्टम है, ठीक है, एक संघीय ढांचा है। तो संघीय ढांचे में मिलकर तभी रह पाएंगे जब दोनों एक दूसरे को समझ पाए, ऐसा ना हो कि सेंटर में कोई और गवर्नमेंट है, स्टेट में कोई और गवर्नमेंट है, स्टेट अपनी चला रहा है और सेंटर अपनी चला रहा है। तो दोनों के बीच में एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं म्यूचुअल रेस्पेक्ट रहनी चाहिए और कोऑपरेशन रहना चाहिए दोनों के बीच में, ठीक है। जिस तरीके से आप बोला है कि कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, तो दोनों को एक दूसरे से कोऑपरेट भी करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कई सारे मैटर ऐसे आ जाते हैं जैसे आप लोग देख सकते हैं वाटर डिस्प्यूट का देख सकते हैं, वाटर डिस्प्यूट बहुत ज्यादा रहता है कई सारे स्टेटों के बीच में रहता है, तमिलनाडु में और केरला के बीच में देख सकते हैं आप लोग, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के बीच में भी देख सकते हैं, कर्नाटका के बीच में और तमिलनाडु के बीच में देख सकते हैं, पंजाब और हरियाणा के बीच में देख सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिनके बीच में वाटर डिस्प्यूट रहता है, ठीक है। तो वाटर डिस्प्यूट रहता है तो उसकी वजह से भी दोनों के बीच में कोऑपरेट मिला के चलना जरूरी है, क्योंकि अगर वाटर डिस्प्यूट को सोल्व करना है तो कहीं ना कहीं जो मीडिएशन किया जाएगा वो सेंटर के द्वारा ही करा जाएगा, सेंटर ही उस मैटर को सुलझा सकता है। और इंटर स्टेट काउंसिल का भी आप लोगों ने फंडा सुना होगा, तो उसका भी सीधा सीधा मतलब क्या होता है, अगर कोई प्रॉब्लम निकल के आ रही है तो उन प्रॉब्लम का आप लोगों को सोल्यूशन निकालना है। बाकी जो टर्म बोलता हूं इंटर स्टेट काउंसिल या सारे वर्ड जो आप लोगों को नए नए सुनने को मिलते हैं ये आगे आगे आते रहेंगे, सुन के कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या बोल दिया है, ठीक है। आगे आगे लेक्चर आएंगे तो ये सारी बातें क्लियर होती चली जाएंगी, जिस तरीके से लास्ट वाले लेक्चर में भी आप लोगों के माइंड में सब क्लियरिटी लेके आया हूं मैं, तो आगे आगे भी वो क्लियरिटी चलती रहेगी। कहीं पर भी आप लोगों के माइंड में जरा सा भी ऐसा डाउट नहीं छोड़ूंगा कि आप लोगों के माइंड में कोई डाउट रहे किसी भी पॉइंट से रिलेटेड, ठीक है। तो आप लोग अगर कोई डाउट रहा करे फिर भी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए। नेक्स्ट वाला पॉइंट आता है ऑल इंडिया सर्विसेज को लेके। आप लोगों को ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में बता चुका हूं ऑलरेडी कई बार, ऑल इंडिया सर्विसेज में आता है आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस और आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। यहां पर फॉरेस्ट है, फॉरेन नहीं है, ठीक है ना, फॉरेन सेंटर में आती है। तो आप लोगों को ऑल इंडिया सर्विस में जो यहां पर रखना है ये तीन सर्विसेज का नाम आता है जब भी ऑल इंडिया सर्विस का नाम दिया जाता है, तो तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहां पर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, ऑल इंडिया सर्विस के जो भी मेंबर है जो भी कैंडिडेट है उनको सेलेक्ट किया जाता है सेंटर के द्वारा, यूपीएससी के थ्रू एग्जाम कराया जाता है कंडक्ट और सेंटर के द्वारा इनको सेलेक्ट किया जाता है। सेंटर के द्वारा सेलेक्ट करने के बाद में ट्रेनिंग भी सेंटर के द्वारा ही कराई जाती है और उसके बाद में स्टेट्स में भेजा जाता है। स्टेट में भेजने के बाद में क्या फंडा होता है, जब स्टेट में भेज दिया जाता है तो जो अल्टीमेट अथॉरिटी रहती है, अगर डिसमिस करने की कोई बात आ गई इस तरीके का कोई फंडा हो गया तो जो होल सोल अथॉरिटी रहती है वो तो अभी सेंटर ही रहता है, पर लेकिन जो इमीडिएट अथॉरिटी रहती है ट्रांसफर कर देना यहां से वहां भेज देना ये सारे काम स्टेट के हाथ में रहते हैं। तो दोनों मिलकर यहां पर क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं ऑल इंडिया सर्विस को। अगर देखा जाए ये तो होल सोल अथॉरिटी हो गया और ये इमीडिएट अथॉरिटी हो गया। अगर कोई ज्यादा बड़ा स्केल का डिसीजन लेना है जिस तरीके से डिसमिस करना है किसी को, उस तरीके का अगर कंडीशन लेनी है तो वो काम करता है सेंटर, पर लेकिन इमीडिएट अगर ट्रांसफर करना है इस तरीके की जो कंडीशन होती है वो क्या करता है, वो करता है स्टेट। तो दोनों मिलकर इसको एडमिनिस्टर करते हैं। ओके, अच्छा अगर थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करूं यहां पर आप लोगों को पता होगा स्टार्टिंग में इसको क्या बोला जाता था, जब अंग्रेजों के टाइम पर इसको आईसीएस बोला जाता था, ठीक है ना, तो आईसीएस बोला जाता था इसको, इंडियन सिविल सर्विस, ठीक है ना। इसके बाद में फिर इसको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कर दिया गया था चेंज करके। ओके, और जो आईपी है इंडियन पुलिस को क्या कर दिया था, इंडियन पुलिस सर्विसेज। ओके, आप लोगों के लिए यहां पर क्वेश्चन है, आप लोगों को यह बताना है कि ऑल इंडिया सर्विसेज की लिस्ट में ये जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है इसको कब ऐड किया गया था, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। इसके अलावा और कई सारे फैक्ट आप लोगों को पता रहने चाहिए इसके बारे में। देखिए जब भी कोई ऑल इंडिया सर्विस से रिलेटेड अगर कोई वैकेंसी निकलने की बात आती है तो आर्टिकल जरूर याद रखिएगा, 312 पावर दे रखी है राज्यसभा को, ठीक है ना, राज्यसभा के हाथ में पावर है कि कितनी ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करनी है, तो ये पावर राज्यसभा के हाथ में है, आर्टिकल 312 है। तो ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख सकते हैं, कई बार डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि राज्यसभा जो क्रिएट करती है ऑल इंडिया सर्विसेज वो आर्टिकल 312 के तहत क्रिएट करती है, तो माइंड में क्लैरिटी रहनी चाहिए आप लोगों के। ओके,
इसके अलावा ऑल इंडिया सर्विसेज का काम क्या होता है? देखिए, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्मिटी बना के रखना पूरे ऑल इंडिया लेवल पर, क्योंकि वही आईएएस रहते हैं, वही आईपीएस रहते हैं पूरे लेवल पर, तो एक यूनिफॉर्मिटी बना के चलते हैं। इसके अलावा सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन भी अच्छे बनाकर रखते हैं, ठीक है। देखिए, अगर कोई आईएएस या आईपीएस किसी भी स्टेट से हो, ऐसा नहीं है कि जैसे सर्विस उसको उसके स्टेट में ही मिलेगी, किसी भी आईएएस को कहीं पर भी भेजा जा सकता है सिलेक्शन के बाद में। तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कल्चर का ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। आज जैसे नॉर्थ का आदमी अगर साउथ में जा रहा है तो साउथ की चीजें ज्यादा सीखेगा, अगर साउथ का नॉर्थ में आ रहा है तो उसको नॉर्थ की चीजें सीखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से एक हमारी कंट्री में हार्मनी भी बनती है, एक दूसरे को जानने की, एक दूसरे के कल्चर से मिलजुल कर रहने की। तो ये भी काम काफी करता है अगर देखा जाए तो, आईसीएस के बेस पर ही ये काम किया जाता है, जिसको आज की डेट में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट वाला पॉइंट यहां पर एक पॉइंट दे रखा है, पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये आप लोगों को आगे चलकर चैप्टर मिलेंगे पूरा देखने को, जिसमें यूपीएससी होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो देखिए ये क्या काम करते हैं, यहां पर भी दोनों के बीच में हार्मनी रही जाती है। जो अपॉइंटमेंट करता है यहां पर, अगर मैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करूं, तो जो यहां पर अपॉइंटमेंट की जाती है तो वो गवर्नर के द्वारा की जाती है। याद रखिएगा, इसको काफी इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। यहां पर गवर्नर के द्वारा अपॉइंटमेंट की जाती है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन की। ओके, और जो उसको रिमूव किया जाता है, ओनली वर्ड लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को, प्रेसिडेंट के द्वारा उसको रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों के माइंड में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि अपॉइंट भी वही करता है तो रिमूव भी वही करता होगा। हालांकि कंप्लीट में आर्टिकल कंप्लीट ये चैप्टर इससे रिलेटेड, तो आगे देखेंगे डिटेल में इसको, पर आपके माइंड में यहां पर थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी और आप लोगों का बेस बन जाएगा। ओके, तो यहां पर इसलिए इसको बता रहा हूं। इसके अलावा ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की भी बात चल जाती है, अगर स्टेट चाहे तो मिलकर दो स्टेटों का ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनाया जा सकता है। तो ये भी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे किया जाता है काम। तो यहां पर आप लोगों को याद रखना, जब ज्वाइंट की बात आएगी, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, फिर से बोल रहा हूं, आगे डिटेल में करूंगा इसको, चैप्टर इससे रिलेटेड कंप्लीट, ठीक है। तो यहां पर अगर ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की जाती है, तो जो इसके चेयरमैन अपॉइंट किए जाते हैं, एस्टेब्लिश किया जाता है इसको पार्लियामेंट के द्वारा, पर लेकिन जो चेयरमैन वगैरह है वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। क्योंकि ज्वाइंट की बात हो गई है तो यहां पर किसी एक स्टेट का वर्चस्व नहीं दिखा सकते ना, तो जहां पर आप लोग कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हैं ऐसी जगह, जब ज्वाइंट की बात आ जाएगी तो किसी पर्टिकुलर अगर स्टेट को देंगे तो पार्शियलिटी लगेगी वहां पर देखने में कि यार इस स्टेट का फेवर किया जा रहा है, तो इस तरीके से फेवर नहीं करना है किसी भी स्टेट का, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट आ गया जुडिशरी। वैसे ये पॉइंट आप लोगों को दिख रहा होगा कि लास्ट में भी कवर कर चुका हूं, जो लास्ट चैप्टर में भी, तो थोड़ा रिवीजन भी आप लोगों का यहां पर हो रहा होगा, ठीक है। तो लेक्चर अगर सारे सुनते चलेंगे तो आधे से ज्यादा आप लोग बोल सकते हैं कि कम से कम 40% तो रिवीजन लेक्चरों में ही हो जाता है, चीजें इतनी रिपीटेडली आती हैं। ओके, तो लेक्चरों को रेगुलर सुना कीजिए, जिससे कि आप लोगों को फायदा होता रहे। इसके अलावा देखिए इंटीग्रेटेड जुडिशरी की बात की जा रही है। इंटीग्रेटेड का क्या मतलब होता है? सेंटर हो गया, स्टेट हो गया और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गया नीचे वाले लेवल पर। तो आप लोगों को देखने को मिलता है ये सारा इंटीग्रेटेड है, पहले यहां पर केस है फिर ऊपर जाएगा, तो इस तरीके से केस फॉरवर्ड किया जाता है। तो ये इंटीग्रेटेड आप लोगों को देखने को मिलता है, जिस तरीके से पॉलिटी है हमारे यहां पर, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है पावर, अलग अलग अपना काम करते हैं, स्टेट अलग करता है, सेंटर अलग करता है, पर जुडिशरी का जब बात आती है यहां पर ये इंटीग्रेटेड रहता है। और स्टेट के जो हाईकोर्ट के जज भी रहते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, चीफ जस्टिस की एडवाइस के द्वारा और उस स्टेट के गवर्नर की एडवाइस के द्वारा, ठीक है। तो ये भी आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी रहनी चाहिए। और उनको ट्रांसफर करने की बात आती है तब भी उसमें कौन किसकी पावर होती है? प्रेसिडेंट की पावर होती है। ओके, तो प्रेसिडेंट ही रोल प्ले करता है, इसीलिए यहां पर जुडिशरी को इंटीग्रेटेड जुडिशरी भी बोला जाता है। ओके, तो ये भी माइंड में आप लोगों को क्लैरिटी रखनी है। अगर नेक्स्ट बात करूं मैं, यहां पर इमरजेंसीज की बात की गई है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर किस किस की बात की गई है? नेशनल इमरजेंसी जब लगती है, स्टेट इमरजेंसी जब लगती है जिसको गवर्नर रूल भी बोलते हैं, और फाइनेंशियल इमरजेंसी जब लगती है, ठीक है। तो इनके बारे में जब बात की जाती है तो ये तो आता है 352 में, ये आता है 356 में और ये आता है 360 में, ठीक है। चार चार का डिफरेंस है, याद रख सकते हैं। तो जब तीनों लगती है उसके हाथ में भी आप लोग एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देखते हैं, तो वहां पर भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में जो रिलेशन रहता है सेंटर के हाथ में ज्यादा पावर आ जाती है एज कंपेयर टू स्टेट। ये बातें हम लोग लास्ट में भी देख चुके हैं, तो लास्ट में हम लोगों ने लेजिस्लेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था, लेजिस्लेटिव पावर हाथ में आ जाती है सेंटर के, इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी सेंटर के हाथ में आ जाती है यहां पर। तो इसलिए फिर से ये पॉइंट आ रहे हैं, तो इसे नहीं समझना है कि पॉइंट रिपीटेडली आ रहे हैं, वहां पर हम लोगों ने लेजिस्लेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था, यहां पर हम लोग एग्जीक्यूटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, मतलब इंप्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, और आप लोग बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर रखना है माइंड में। तो यहां पर भी पावर किसके हाथ में ज्यादा आ जाती है? सेंटर के हाथ में ज्यादा पावर आ जाती है एज कंपेयर टू स्टेट। ओके, नेक्स्ट वाला जो यहां पर पोर्शन है ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइस, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। यहां पर आर्टिकल 355 अनुच्छेद 355 की बात की करता हूं मैं यहां पर। तो 355 के तहत भी आप लोगों को दो बातें देखने को मिलती है। पहली बात क्या देखने को मिलती है?
पहली बात ये देखने को मिलती है कि अगर किसी स्टेट में कुछ डिस्टरबेंस होता है, ठीक है, या फिर एक्सटर्नल अग्रेशन कोई देखने को मिलता है स्टेट के खिलाफ में, तो सेंटर की ड्यूटी बनती है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेंटर को ड्यूटी लगाता है सेंटर की कि उसको प्रोटेक्ट करना है स्टेट को एक्सटर्नल एग्रेशन से या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस से। और जब ये प्रोटेक्ट करने वाली बात आती है स्टेट को भी उस टाइम पर सेंटर के प्रोविजंस जो होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। स्टेट अपने हिसाब से या अपने मुहार काम नहीं करेगा, ठीक है। और किसके बेस पर यह काम किया जाता है, यह काम किया जाता है गवर्नर के बेस पर। क्यों? क्योंकि गवर्नर को एजेंट माना जाता है सेंटर का स्टेट के अंदर में। तो गवर्नर को आप लोगों ने कई बार भी सुना होगा, ममता बनर्जी ने भी एक बार गवर्नर को अभी कुछ दिनों पहले न्यूज में ये कहा था कि ये तो बीजेपी का एजेंट है हमारे यहां पर। तो इस तरीके की आप लोगों को न्यूज में भी बातें सुनने को मिलती रहती है कई बार। तो इसके बारे में भी आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये बोल क्या रहे हैं। तो आप लोगों को अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पता होगा तो आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी कि ये अपने माइंड से बातें नहीं बोल रहे हैं, ये बातें सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है ताकि चीजों को समझा जा सके अच्छे से, ओके। और जो बात मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के लिए बोली थी वो सेम बात यहां पर इंप्लीमेंट होती है। स्टेट का जो इलेक्शन कमिश्नर रहता है उसके लिए भी सेम बात होती है, अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा पर लेकिन रिमूव किया जाता है ओनली प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये भी आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेज हैं जिसके द्वारा भी इन दोनों के बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बने रहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं और ये बातें कुछ यहाँ पर कॉन्ट्रोवर्सी रही है। अगर आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी नहीं आ रही है कहीं पर भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, पर लेकिन लेक्चर को भी आप लोग फिर से सुन सकते हैं जिससे कि क्लैरिटी माइंड में आ जाएगी, क्योंकि एक एक पॉइंट को मैंने अच्छे से क्लियर करके चला हूं जिससे कि आपके माइंड में फिर से फर्दर कोई कंफ्यूजन न रहे इससे रिलेटेड, ओके। तो एक बार फिर से आप लोगों को रिमाइंड कराए देता हूं, पहले हम लोगों ने लेजिस्लेटिव रिलेशन देखे लास्ट लेक्चर में, उसमें हम लोगों ने 245 से 255 तक का पार्ट 11 में थे ये बातें देखी हम लोगों ने, ठीक है। इसके बाद में जो हम लोगों ने देखे अभी क्या देखे, हम लोगों ने देखे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन किस तरीके से रहते हैं। तो 255 तक कवर हो गया था, तो 256 से 256 से 263 तक ये भी पार्ट 11 में हम लोगों ने देखे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वाला है वह फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड, ठीक है। तो ये क्या है 268 से 293 से 268 से 293 तक, ओके, पार्ट यहां पर चेंज हो गया है। क्या हो गया? पार्ट हो गया 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि सेंट्रल और स्टेट की फाइनेंशियल जो रिलेशन है उसके बारे में बातें करता है। तो कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को, तीनों अलग अलग पार्ट में डिवाइड यहां पर देख रखा है आप लोगों ने किस तरीके से आर्टिकल्स डिवाइड है। रटने कुछ नहीं है, जो से आर्टिकल मैंने आप लोगों को बताए हैं बीच बीच में जो मेन मेन आर्टिकल हैं वो याद रखने हैं। और आगे भी जैसे मैं बोल रहा हूं आप लोगों को फिर से रिपीटेशन होगा इन सब चीजों का जब फिर से आगे चल के हम अलग अलग सेंटर के बारे में और स्टेट के बारे में पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे सारी बातें, ये सारे आर्टिकल फिर से रिपीटेडली आएंगे। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि कितनी चीजें हो गई कैसे करना है, बस लेक्चर को ढंग से सुनते रहिए आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आती जाएगी। देखिए ये वाला पॉइंट आप एक बार फिर से सुन लीजिए, जो अब तक मैंने आप लोगों को ऊपर बताई वो सारी थी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, ठीक है ना, जो मैंने आप लोगों को स्टेट वाले फंडा बताया, यहां पर मैंने आप लोगों को थोड़ा सा गलत बता दिया। ये ऊपर वाला पोर्शन जितना मैंने अभी कवर किया ना ये सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन के बारे में वो सारी कॉन्स्टिट्यूशनल थी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं थी, ठीक है। तो वो सारा मैटर मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल बताया आप लोगों को, ठीक है। अदर प्रोविजन थे वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल थे, पर जितने भी मैंने अब तक कवर किए एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। तो यहां पर जिस तरीके से प्लानिंग कमीशन आ गया क्योंकि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हो गया यहां पर, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात की जा रही है यहां पर, मतलब जिसमें आप लोग प्लानिंग कमीशन ले सकते हैं, हालांकि वो हट चुकी है, एनडीसी ले सकते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वो हट चुकी है अब तक। तो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेज भी हैं जो कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बनाने के काम करती है। जो अब तक मैंने सारे प्रोविजन बताए वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन थे, जो मैं गवर्नर की बातें कर रहा था, वहां पर इलेक्शन कमिश्नर की बातें कर रहा था, पब्लिक सर्विस कमीशन की बातें कर रहा था, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते थे। पर लेकिन यहां पर मैं कर रहा हूं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है। एक मैंने इससे रिलेटेड लेक्चर भी लिया था आप लोगों का कि क्या डिफरेंस है कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और ये सारी जो बॉडी थी उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, एक अलग से आप लोगों का डाउट का लेक्चर लिया था, तो वो आप लोग देख सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक भी मिल जाएंगे सारे लेक्चरों के, ओके। तो थोड़ा सा यहां पर आप लोग कंफ्यूजन मत रखिएगा। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बॉडी नहीं रखी गई है, जिससे रिलेटेड कोई भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है और वो भी सेंट्रल और स्टेट के बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन का काम करती है, उन डिवाइसेस की यहां पर बात की गई है, ठीक है। जो मैंने सारी ऊपर डिस्कस की है वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन थे, ओके। आई होप कि आपके माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी, डाउट किसी भी चीज से नहीं रखना है। तो इससे पहले जो भी मैंने बातें डिस्कस की थी वो सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बातें थी। अब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल में यहां पर एनडीसी ले सकते हैं, प्लानिंग कमीशन ले सकते हैं, तो इस तरीके के जो प्रोविजन है, जो कोई भी मीटिंग हो रही है गवर्नर की मीटिंग से आप लोग ले सकते हैं, तो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, इनको कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जगह नहीं दी गई है, ओके।
अब जो नेक्स्ट प्रोविजन है यहाँ पर फाइनेंशियल रिलेशन से रिलेटेड मैटर देखते हैं, यहाँ पर आर्टिकल 268 से 293 या फिर 268 टू 293 तक पार्ट 12 में ये आ रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहली आ गई एलोकेशन ऑफ द टैक्स। तो टैक्स की जब बात आती है आप लोगों को पता है सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। तो सेंटर में सेंटर वाले पे इम्पोज किया जा सकता है, स्टेट में स्टेट कर सकता है और कॉन्करेंट में दोनों मिलकर कर सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल भी बताऊं यहाँ पर, जिस तरीके से आप लोग इनकम टैक्स का अगर एग्जाम्पल लेकर चले, इनकम टैक्स में क्या होता है देखिए, यहाँ पर बातें की गई है इनकम टैक्स के लिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि कई बार आप लोगों के माइंड में कई सारे कन्फ्यूजन आ जाते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो कलेक्ट कर रहा है उसी के हाथ में टैक्स रहेगा, ऐसा भी है कि कलेक्ट कोई और कर रहा है और डिस्ट्रीब्यूटेड दोनों में किया जाएगा। जिस तरीके से इनकम टैक्स आप लोगों को पता है सेंटर कलेक्ट करता है, ठीक है, पर डिस्ट्रीब्यूशन जब टैक्स की बात करती है तो वो सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में होता है। तो कलेक्शन ओनली सेंटर के द्वारा किया जाता है इनकम टैक्स, पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सेंटर और स्टेट के बीच में, दोनों के बीच में होता है। काम कौन करता है? काम करता है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन आपको पता होगा आर्टिकल 280 के अंदर आता है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना है, टैक्स जो रिवेन्यू का कलेक्शन यहां पर किया गया है, एलोकेशन किस तरीके से की गई है, किस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना है और कौन से नॉन टैक्स रिवेन्यू है, ये सारा जो मैटर होता है ये आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये सारे मैटर होते हैं टैक्स से रिलेटेड, ये सारे लिस्ट जो होती है सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, और उसके बाद में जो रेजिड्यू लिस्ट, मतलब जो भी इन तीनों के अंडर में नहीं आता है तीनों लिस्ट के, वो तीसरा सब्जेक्ट जिसके ऊपर जो पावर होती है वो किसकी पावर होती है, वो सेंटर की पावर होती है। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, मतलब पार्लियामेंट के हाथ में पावर होती है अगर बोला जाए तो इनडायरेक्ट वे में। तो ये वाली रेजिड्यू सब्जेक्ट की, तो इन पर रेजिड्यू सब्जेक्ट पर टैक्स लगाने का पावर भी सेंटर को ही होता है, ओके, क्योंकि उसके अंदर ही इसके उसमें पावर दी गई है, इसके एक्स्ट्रा जो पावर दी गई है। आप लोगों के माइंड में थोड़ी क्लैरिटी और लाना चाहूंगा, जैसे कि टैक्स की बात आती है अगर, ठीक है ना, टैक्स देखिए किस तरीके से, अगर स्टेट की बात आती है वहां पर, अगर स्टेट के अंदर, ठीक है, कोई स्टेट कितनी जो बिजली है वो प्रोड्यूस कर रहा है और कितने उसको कंज्यूम कर रहा है, वो सारी बात अगर कोई आती है तो स्टेट उसके ऊपर टैक्स लगा सकता है। लेकिन अगर उसके स्टेट के अंदर ही सेंटर की कोई फैक्ट्री वगैरह है, जैसे ONGC वगैरह हो गई, या कोई भी उसकी कोई खुद का PSU है, उसके अंदर कितनी बिजली कंज्यूम हो जा रही है और कितनी प्रोड्यूस हो रही है, उस पर स्टेट टैक्स नहीं लगाएगा, उस पर सेंटर टैक्स लगाएगा, ठीक है। तो दोनों में क्लैरिटी रखनी है, जो स्टेट का मैटर है उसमें स्टेट करेगा काम और जो सेंटर का मैटर है उसमें सेंटर करेगा, दोनों के बीच में इंटरफेरेंस ना हो सके, इसलिए इनमें क्लैरिटी डाली गई है, वरना दोनों आपस में लड़ते रहते कि ये मेरा पावर का एरिया है और ये मेरा पावर का एरिया है। इसके अलावा स्टेट जो है वो इम्पोज कर सकता है टैक्स अगर कोई भी सेल हो रहा है गुड्स का उसके एरिया में, पर लेकिन न्यूज़पेपर पे टैक्स इंप्लीमेंट नहीं होता है। तो न्यूज़पेपर पे आप लोग याद रखिएगा, ये थोड़ा एक्सेप्शन है, न्यूज़पेपर पे स्टेट टैक्स नहीं लगा सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जिससे कि न्यूज़ जो है वो आराम से फ्रीली मूव हो सके और एक दूसरे से न्यूज़ भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सके आराम से, ठीक है ना, तो न्यूज़पेपर पे कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है। इसके बाद में नीचे ग्रांट एंड एड की बात की गई है, तो यहाँ पर सेंटर के द्वारा दिया जाता है स्टेट को, तो आर्टिकल 275 में ये आता है। पर लेकिन देखिए टैक्स की बातें मैं यहाँ पर ज्यादा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अब जो टैक्स की जितनी बातें यहाँ पर की गई है बुक में भी अगर आप लोग पढ़ेंगे तो मैक्सिमम टैक्स जो है वो सारे GST के अंदर कवर हो गए हैं। तो ये पुराने वाले टैक्स आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन सा क्या कर रहा है, वो सारे टैक्स आज की डेट में GST में सब्ज्यूम कर दिए गए हैं। तो इनको फालतू में पढ़कर अपना टाइम वेस्ट न करें, जो काम काम की बातें हैं वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिए, ठीक है। कभी आप लोग बुक उठाकर देखें और बोले कि सारी बातें हम लोगों को यहाँ पर नहीं बताई गई है, तो मैंने काम काम की बातें आप लोगों को बता दी है। GST इंप्लीमेंट हो गया उसकी वजह से यहाँ पर सारी बातें आप लोगों को, ये सारे टैक्स रटने की जरूरत नहीं है, जितने इनडायरेक्ट टैक्स हैं वो सारे GST के अंदर सब्ज्यूम कर दिए गए हैं, कि जो कि 1 जुलाई से हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट हो गया है। तो कन्फ्यूजन नहीं रखना अपने माइंड में। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है यहाँ पर बात करी गई है प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट इंटरेस्ट। स्टेट इंटरेस्ट का प्रोटेक्ट किस तरीके से स्टेट का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जाएगा, तो यहाँ पर क्या बात निकल के आती है, अगर किसी स्टेट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है तो अगर कोई बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना है उससे रिलेटेड, तो पहले प्रेजिडेंट की रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी, ठीक है ना, तो तब जाकर उसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो ये प्रोटेक्शन दी जाती है प्रेजिडेंट के द्वारा अगर इंट्रोड्यूस करना है कोई भी बिल पार्लियामेंट में, ठीक है। बोरोइंग की बात आती है, अगर बोरोइंग लेनी है बाहर से, सेंटर भी बाहर से बोरोइंग ले सकता है, स्टेट भी बाहर से बोरोइंग ले सकता है, पर लेकिन एक लिमिट यहां पर तय की जाती है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये क्या होता है, एक तरीके का फंड होता है, आप लोगों को आगे इसके बारे में पता चल जाएगा। तो जो कंसोलिडेटेड फंड से रिलेटेड जो भी मैटर है आगे आप लोगों को, चाहे वो स्टेट का हो चाहे वो सेंटर का हो, इससे रिलेटेड आगे जब डिस्कस करेंगे मैटर, आगे कंप्लीट डिटेल में यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा आगे चल के इसको, ठीक है। तो वहां पर चीजों को अच्छे से देख लेंगे, यहाँ पर आप लोगों को बस एक आइडिया दिया जा रहा है कि इस तरीके की वर्ड भी हमारे उस कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किए जाते हैं, जिससे कि आपके माइंड में आगे चल के कन्फ्यूजन ना हो कि बोला क्या जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो वहां से भी अगर बोरोइंग करनी है तो जो लिमिट डिफाइन की जाती है वो पार्लियामेंट के द्वारा सेंटर से रिलेटेड और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा स्टेट से रिलेटेड मैटर वहां पर
लिमिट डिफाइन कर दी जाती है कि इतना आप लोग बाहर से बोरो कर सकते हैं, ठीक है, गारंटी दी जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के द्वारा, ओके। और इसी तरीके से देखिए इंटर गवर्नमेंटल टैक्स इम्यूनिटी की बात की गई है यहां पर। तो इम्यूनिटी किससे किसको दी जाती है, जो सेंटर की प्रॉपर्टी होती है स्टेट में, तो वहां पर तो स्टेट जो है सेंटर की प्रॉपर्टी पर टैक्स नहीं लगा सकता है, ठीक है। अगर कोई भी सेंटर की प्रॉपर्टी है स्टेट में, ना तो उस पर म्यूनसिपैलिटीज, ना उस पर पंचायत वगैरह या फिर कोई भी स्टेट की बॉडी उस पर टैक्स नहीं लगा सकती है, उनको इम्यूनिटी प्रोवाइड कराई जाती है। इसी तरीके से अगर स्टेट की कोई प्रॉपर्टी होती है सेंटर की बाउंड्री के अंदर में अगर कुछ इस तरीके से आती है, तो सेंटर भी उस पर टैक्स नहीं लगा सकता है। तो दोनों को एक दूसरे से इम्यूनिटी प्रोवाइड कराई जा सकती है। यहां पर लैंड भी हो सकता है, बिल्डिंग्स हो सकती है, शेयर्स हो सकते हैं, तो कुछ भी पार्ट हो सकता है स्टेट का भी और सेंटर का भी, तो कोई भी उसमें एक दूसरे के ऊपर टैक्स नहीं लगाएगा। तो इस तरीके से इम्यूनिटी यहां पर प्रोवाइड कराई जाती है, ओके। तो ये आप लोगों को माइंड में रखना है। यहां पर ट्रेंड्स की बात की गई है कि सेंटर और स्टेट के बीच में क्या ट्रेंड रहा है रिलेशनशिप का। तो देखिए अगर आप लोगों को बात की जाए, थोड़ा आप लोगों ने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा होगा, तो जब से हमारा देश आजाद हुआ 1947 के बाद में, ठीक है ना, तो 1947 के बाद में फिर 26 जनवरी 1950 में यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट किया गया और फिर यहां पर गवर्नमेंट बन के आने लगी। तो जैसे जैसे गवर्नमेंट बन के आती थी, तो सेंटर में भी वही गवर्नमेंट रहती थी जो कि कांग्रेस, और स्टेट में भी वही सेम गवर्नमेंट रहती थी। तो काफी लंबे समय तक ये ट्रेंड ऐसा ही चलता रहा, जो गवर्नमेंट सेंटर में है वही गवर्नमेंट स्टेट में है, तो ये ट्रेंडिंग पैटर्न ऐसे ही चलता रहा काफी लंबे समय तक। पर आगे चल के क्या हुआ, लगभग 1967 के एयरफेयर की मैं बात करूंगा, यहां पर कई सारे स्टेट में, लगभग 9 स्टेट में क्या हुआ, जो कांग्रेस थी वो हार गई, ठीक है, और दूसरी पार्टी उन स्टेट्स में आ गई। तो जब दूसरी पार्टी स्टेट्स में आ गई, आप लोगों को एक रस्साकसी देखने को मिलेगी, सेंटर में दूसरी गवर्नमेंट हो गई, स्टेट में दूसरी गवर्नमेंट हो गई, तो दोनों के बीच में एक रस्साकसी यहां पर आ गई। तो जो ये रस्साकसी दोनों के बीच में बनी, सेंटर अलग हो गया और स्टेट अलग हो गया, तो यहां से चल के थोड़े रिलेशन में अलग डिफरेंट तरीके का ट्रेंड देखने को मिला। पर लेकिन अगर इससे पहले की बात की जाए तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम ही नहीं थी। फिर इससे बाद में तो अगर देखा जाए, अब जब स्टेट में, सेंटर में, मान लीजिए सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है, स्टेट में कांग्रेस की आ गई, तो वो आते ही सब स्टेट के गवर्नर चेंज कर देती थी जहां जहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है। तो इस तरीके से रस्साकसी होने लगी। तो बहुत बार, कई बार प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता था, एक दूसरे की सरकारें बर्खास्त की जाने लगी, तो फिर वो ट्रेंड देखने को मिलने लगा। पर लेकिन आज की डेट में फिर से आके हम लोग उसी मोड पर आ गए हैं कि सेंटर में भी वही है और लगभग स्टेट में भी मैक्सिमम बीजेपी ही होती जा रही है। तो आज की डेट में भी आप लोगों को पहले वाला ट्रेंड कुछ कुछ यहां पर देखने को मिल रहा होगा, पर ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं है, बीच में फिर चेंज हो जाएगा अगर सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट आ जाती है। तो ट्रेंड आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके का चला हुआ आ रहा है स्टार्टिंग से लेके अब तक का, ओके। अब कुछ एरिया आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी जिसमें सेंटर और जो स्टेट के बीच के रिलेशन में टेंशन रहती है। सबसे बड़ी टेंशन है गवर्नर को लेकर, जो मैंने आप लोगों को अभी बताई कि क्या गवर्नर का रोल होना चाहिए और कब इसको हटा दिया जाता है, कब इसको बना दिया जाता है। जब सेंटर में कोई और गवर्नमेंट होती है और स्टेट में कोई और, तो कितनी जल्दी जल्दी गवर्नर चेंज कर दिए जाते हैं, ये बातें देखने को मिलती है। बहुत ही फ्रीक्वेंटली प्रेसिडेंट रूल देखने को मिलता है, ठीक है, ये भी आप लोगों को कई बार प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और सेंट्रल जो फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज भी कई बार आप लोगों ने देखा होगा डिप्लॉय कर दी जाती हैं लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सॉवरेनिटी हर्ट करते हैं एक तरीके से, जो फेडरल सिस्टम वाला फंडा आता है यहां पर निकल के, जो फेडरल सिस्टम है मतलब संघवाद का सिस्टम है, एक दूसरे से संघ के साथ में मिलकर रहना है, वो भी यहां पर कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा रिजर्व कर लिए जाते हैं बिल गवर्नर के द्वारा प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के, ये फंडा रहता है। डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, जो स्टेट में, सेंटर में सेम गवर्नमेंट है और स्टेट में सेम गवर्नमेंट है, उनको एलोकेशन ज्यादा दे दी जाती है फंड की, एज कंपेयर टू उन स्टेटों में जहां पर सेम गवर्नमेंट नहीं है, जो सेंटर में गवर्नमेंट है, ओके। रोल ऑफ द प्लानिंग कमीशन की तो बात ही खत्म होगी, यहां पर अब नीति आयोग आ गया है। मैनेजमेंट में ऑल इंडिया सर्विसेज में, ऑल इंडिया सर्विसेज में आईएएस होता है, आईपीएस होता है और आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज बोलते हैं, तो ये वाली सर्विसेज होती है, इनके मैनेजमेंट की बात आती है। ये बोला जाता है कि ये डिक्टेटरशिप का काम करने लगते हैं कई बार सेंटर के बेस पर, ठीक है, तो सेंटर की फॉलो करते हैं बातें। यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पॉलिटिकल पर्पज के लिए, ये भी बात कई बार कॉन्ट्रोवर्सी में रहता है और खासकर इलेक्शन टाइम पे बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में रहता है ये। अपॉइंटमेंट इंक्वायरी कमीशन अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में इंक्वायरी कमीशन बैठा दिए जाते हैं, ठीक है। शेयरिंग फाइनेंस के बीच में रहती है कई बार, कौन सा टैक्स किसको वो करना है, पर लेकिन अब जीएसटी आ गया तो काफी हद तक ये मैटर भी सॉर्ट आउट हो गया है। और फिर क्या आता है, जो स्टेट लिस्ट की बात रहती है, कई बार स्टेट परेशान रहते हैं कि सेंटर हमारी लिस्ट को एनक्रोच करता है और हमारी लिस्ट में सब्जेक्ट उठा के खुद से अपने मतलब लॉ बनाने की कोशिश करता है, तो ये भी बात कई बार आती है। तो ये कंप्लीट हम लोगों ने देखे। नेक्स्ट जो लेक्चर लूंगा मैं, आप लोगों को कई सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी वहां पर,
जो एआरसी की रिपोर्ट आप कई बार देखते हैं वो कहां से निकल के रहेगी, क्या चक्कर है उसका। इसके अलावा आप लोगों को ये कुछ कमिटी और कमीशन भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। नीचे वाले दो काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं किससे रिलेटेड है, सरकारी कमीशन और पूंजी कमीशन, तो ये सेंटर और स्टेट के रिलेशन से रिलेटेड है। तो आगे आने वाले लेक्चर में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे कई बार पूछे जाते हैं, तो इनका हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। लेक्चर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कीजिए, और अगर पसंद आता है तो चीजों को शेयर भी कर दिया कीजिए। अपने आसपास सफाई रखिए और पेड़ और पानी को भी सेव कीजिए, और देखिए जितना भी हो सके हार्मनी बना के रखिए सोसाइटी में। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।